हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद बियर्ड बाबा। आज डेट है 26 अक्टूबर 2021 और इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था मैं कल रात को। ये मेरी खड़ी है स्कूटी, रेंटेड स्कूटी, जो मेरे को 12 बजे तक रिटर्न करनी है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, मेरे को जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपना सामान लेना है। सामान मेरा है प्रवीण के यहाँ पर, मेरा लैपटॉप, मेरा यूकेलेले और कपड़े। कल से एक गंदी टी शर्ट पहनी है मैंने, बारिश में भीग गया था कल। ये रूम पड़ा है मेरे को 300 रुपये का, अच्छा सेपरेट रूम है, दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए जगह, खाना खाना है यार, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। जय मिल जाए, नहीं रोकता हूँ, मैसेज आया लगता है। कल यार, कल खाना दरी खाया था अंकल के पास। खाने के यार बहुत ऑप्शन है, पफ पेटी, सैंडविच, बोंडा, चिकन रोल, दाल वड़ा, मेंदू वड़ा, और ये तो बनाने से बनता ही है। और ये दोनों पता नहीं मेरे को, जैसे हमारे पूड़े बनते हैं ना वैसे ही शायद हो सकता है ये। मैंने तो फिलहाल ऑर्डर किया है प्लेन डोसा विद सांबर। हाँ हाँ, कुछ लेते हैं भाई, चाय, चिकन रोल, बहुत भूख लगा है। ओके, तो प्रवीण मेरे को इधर मिल गया है, प्रवीण से हाय। ये कि थोड़ा कंजर्वेटिव है, हमारे भी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है, क्योंकि इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को मलयाली नहीं आता है, लेकिन हाँ दिल की भाषा आती है, वो लोगों को समझ जाते हैं। नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर तो है ही, गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अभी शायद हम प्रवीण के ही एरिया में हैं। यहाँ पर है बहुत खूबसूरत वाटरफॉल, ये वाटरफॉल मैंने इसी की फ़ोटो में देखा था, तो वो दिखने आ रहे हैं। और 12:30 बजे मेरे को देनी है स्कूटी, रिटर्न करनी है। So this is how we are talking to each other. Google Translate. So I asked him, how far is your home from here? നിങ്ങളുടെ വീട് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ്? This is Malayalam. So he said nearby. यार ये waterfall है लेकिन बहुत slippery है ये। चल चल चल। मेरा कैमरा टूटे ना, फिर मैंने गले में इसको बांध रखा है। अभी मेरा कैमरा गिर गया था और जो मेरा मेन डिस्प्ले है बस बहुत बड़ा डेंट आ गया है, लेकिन पता नहीं टेम्पर्ड लगा रखा है मैंने, वैसे टेम्पर्ड टूटा है, स्क्रीन टूटी है, पता नहीं, लेकिन सी थोड़ा डैड ईजी क्योंकि थोड़ा स्लिपरी है ये।
क्या मस्त है यार ये, यहाँ पे एक जगह मिली, यहाँ पे नहा सकते हैं आप लोग। और भाई यार वाटरफॉल भी है, खड़ा है प्रवीण, नहाते हैं यहाँ पे। अब पानी बहुत ठंडा यार। यार पीछे वाटरफॉल में आ गए, मजा आ गया, इधर ऐसा लगता है शांति और स्वर्ग की प्राप्ति। प्रवीण नहीं आया, थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन यार उसने फोटोज वगैरह वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे लिए देखे मैंने। और अगर आपको भी देखने वो फोटोज एंड वीडियोस तो भाई जाओ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्रैवल विद बीएड बाबा। तो यार प्रवीण और हमने जगह डिसाइड की थी, तीनों कैंपिंग करने वाले थे, मैं प्रवीण अलीना, लेकिन दूर जाना था वो, बारिश की वजह से नहीं हो पाया। उसके गाँव के ऊपर भी एक पहाड़ है, वहाँ पर कैंपिंग लोकेशन अच्छी है, लेकिन अब क्या है, तो वीक डे स्टार्ट हो गया, यानी मंडे। अब मंडे को तो कैंपिंग नहीं कर सकते ना। जाते वक्त हम इस गेट से गए थे, लेकिन आए इधर से, क्योंकि हम इधर से वाटरफॉल के बीच में से गए चढ़ते हुए, देखा होगा आपने, लेकिन वो बहुत रिस्की है यार, लेकिन बताऊँ तो बहुत रिस्की है, बहुत स्लिपरी है वो। 12 बज गए और वो सब स्कूटी वापस करके आनी है। सर जंगल में ऐसी लीचेस बहुत हो जाती हैं आ रही है ये, लेकिन अच्छी बात यह केवल बैड ब्लड पीती हैं ये, तो उनको पकड़ के छुटा दो। और तो वो कैसे देखो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है इनसे।